संसद में महंगाई पर हो रही बहस के दौरान विपक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई तरह के सवाल किए। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार पर महंगाई पर चर्चा करने के बजाय दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने शमशान घाट पर 18% GST लगाने के सवाल पर जवाब दिया, जिस पर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। विपक्षी की ओर से संसद में सवाल किया गया कि पिछले 14 महीनों के दौरान देश में महंगाई दर दहाई अंक में रही है, जो 30 साल में सबसे ज्यादा है। अनाज, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जनता त्राही त्राही कर रही है। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था के 5 मूल तत्वों बजट, निवेश, उत्पादन, खपत और रोजगार के परख चिवड़े। विपक्ष की ओर से कहा गया, शमशान घाट पर सरकार द्वारा 18% GST लगाना दुखद है। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि खाद्य पदार्थों से लेकर तेल तक पर आयात शुल्क घटाकर इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों पर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि वैश्विक एजेंसियों ने भी माना है कि कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध जैसी समस्या के बाद भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से गति कर रहा है। वित्त मंत्री ने शमशान घाट पर GST लगाने वाले आरोप पर कहा कि किसी धर्म के अंतिम संस्कार पर कोई GST नहीं। शवदाह गृह के निर्माण से जुड़े उपकरण पर GST लगाया गया है ताकि इसे बनाने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। निर्मला सीतारमण के इस जवाब पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता शिवचरण गोयल ने लिखा कि भाजपा केंद्र मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, इनके शासन में मरने के बाद शमशान घाट में अंतिम संस्कार, कब्रिस्तान में दफनाने, मुर्दाघर में शव रखने पर कोई GST नहीं है, इन सेवाओं को GST से मुक्त रखा गया है। कांग्रेस नेता नीरज भाटिया ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि यह ऐतिहासिक है, सभी शमशान घाटों के बाहर थैंक यू मोदी जी का होर्डिंग्स लगना चाहिए। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, मोदी सरकार आप सब पर इतना बड़ा एहसान कर रही है, आपको ऐसी सरकार को जिंदा रहते धन्यवाद कहना चाहिए। सोहित मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर कमेंट करते हैं कि मरने पर GST नहीं है और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी की बात नहीं सुनती।